यहाँ पे मैं 2 साल से घुघरा खाने के लिए आता हूँ। यहाँ पर दादा सब आइटम रखते हैं लेकिन घुघरा इज माय फेवरेट। थोड़ी तकलीफ मैंने लॉकडाउन में बहुत पड़ी गई थी और वरी पास धीमे धीमे उभो खावा मंडी गयो छू। मैंने बीजी जिंदगी मिली। एक्सीडेंट थी गयो मारो एक ઓમામાં ગયો હતો। હવે આપણાથી સેવા થાય એટલી સેવા કરવાની। ગૈઢા બુઢા મણા દેખાય ને એને બોલાવું, એક પ્લેટ બે પ્લેટ જેટલું ખાય એટલું ખોરવું પેટ ભરીને, 10 રૂપિયા રોકડા દે ને પગે લાગીને જેસી કૃષ્ણ કરું। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, और आज मैं आ चुका हूँ राजकोट में क्रिस्टल मॉल के पास। वैसे क्रिस्टल मॉल जो है वो कालावा रोड पे है, कालावा रोड पे है और ये अपने आप में एक लैंडमार्क है कालावा रोड पे। और इसी की गली में एक अंकल जी है जो पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अपने स्कूटर पे ही बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। सामान है उनके पास, सब कंपनी है, केपला है, सब्जी रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनकी स्टोरी क्या है, कैसे उन्होंने ये शुरू किया और उनका फूड क्या है वो भी देखेंगे। सो लेट्स रोल। सो हियर इज़ द यंग कस्टमर ऑफ अंकल, उससे बात करते हैं कि उनको कैसा लगता है। बेटा आपका नाम बताइए पहले व्यूअर्स के लिए। तीर्थ। क्या पसंद है सबसे ज़्यादा घुघरा के अलावा यहाँ पे? घुघरा ही पसंद है। हाँ। यो डिफरेंट क्या है यहाँ पे घुघरे में? ये दादा की चटनी और वो सब बढ़िया आता है इसलिए। कितनी बार आते हो वीक में? 2-3 बार। ये घुघरा है, ये खमन है, ये सेव खमनी है, ये स्वीट चटनी है। इसमें क्या गुड़ के अलावा और क्या है? गुड़ है, गोल आता है, पानी आता है, तपकी रहती है और ये लहसुन की चटनी है। इसमें मिर्ची आती है, लहसुन आता है और नमक आता है। हरी चटनी है, हरी चटनी राजकोट की फेमस चटनी जो बोलते हैं ना गोर्धन भाई की, वो चटनी है। लेकिन मैं बनाता हूँ, मैं घर पे ही बनाता हूँ। उसमें नींबू है, सिंगदाना है, मिर्ची है और मिर्चा है और हरदर। ये मेरा थेपला है, ये थेपला मैं ऐसा खिलाता हूँ। तो मेरा थेपला देखो आप, ऐसे चोर के देखो तो भी कटिंग नहीं होगा। आलू और फ्लावर की आज सब्जी है, रोज सब्जी अलग अलग होती है मेरे पास। इसके अलावा कौन सी सब्जी और रखते हैं? कभी वटाणा बटेका बनाता हूँ, कभी ऊंधिया बनाता हूँ, कभी पंजाबी बनाता हूँ। मेरा रेट एक ही होता है, 30 रुपया ही। ये मेरी छाछ है, मेरवा के बनाता हूँ, मैं घर पे ही बनाता हूँ छाछ। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने ये बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया, क्या आपकी जर्नी रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षद भाई वी तन्ना है और मैं यहाँ 10 साल से मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ। कैसे आपको आइडिया आया या स्कूटर पे जो आपने शुरू किया है अपना काम? पहले मैं यहाँ मारुति वैन लेके खड़ा रहता था, मैंने ऐसे ही धंधा कर दिया स्कूटर पे, और स्कूटर पे भी मेरा घर खर्चा निकलता है। अच्छा, आप कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे रखते हैं? मैं यहाँ घुघरा बनाता हूँ, खमन बनाता हूँ, सेव खमनी, इडली, थेपला सब्जी, रोटी सब्जी और परोठा सब्जी, और छाछ में 8 वेराइटी बनाता हूँ। सादी बनाता हूँ, मसाला, कोतमरी, पुदीनो, पंचरत्न छाछ, जलसो और लींबू छाछ।
अच्छा, और क्या आपका एवरेज जो प्राइस रेंज है वो क्या रहता है? मेरा जो भी खाओ ने तो 30 रुपये का रेट है प्लेट का, और छास का 10 रुपये रेट है। कोई भी छास पियो 10 रुपये का ही रेट है। टाइमिंग क्या रहता है अपना यहाँ पर? टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम को 7 बजे तक। आप सब्जी रही ना प्योर सिंगल में, थेपला सिंगल में, हूँ मारा घर में जी खाऊँ नहीं, मारा कस्टमर ने खाऊ रहा हूँ। मारी नीति है रोटली में चोखू घी, कोई भी वेजिटेबल घी न लगे, भाखरी में चोखू घी, એમ તો અલગથી નહીં રાખવાની કોઈ વસ્તુ, કારણ શું છે કે હું આજે ખાઉં છું ખુશમાંથી ખાઉં છું, મારા કસ્ટમરમાંથી કમાઈને ખાઉં છું, તો મારા કસ્ટમરને અલગ ને હું અલગ એવું ધંધો જ નહીં કરવાનો, ક્વોલિટી પ્રોપર મેન્ટેન થવી જોઈએ, ક્વોલિટી મેન્ટેન કરી રાખવાની। સો એઝ યુ સીન હી ઇઝ વર્કિંગ વિથ સો મચ પેશન, તો આપ યહાં પે આઈએ તો ઉનકો ઉનકે બિઝનેસ મેં હેલ્પ કીજીએ, જો ભી આપકો અચ્છા લગે, જો આપને બહોત સારી રીતે દેખી જો યે રખતે હૈ મને બતાયા પૂરે વિડિયો મેં આપને દેખા, તો પ્લીઝ કમ હિયર શેર હિઝ સ્ટોરી, तो इनको इनके बिजनेस में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।